Thanos, stop killing my friends! But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थॉर एक्टर के बारे में, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के बारे में। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से कनेक्टेड हो और इंस्टाग्राम पेज से कनेक्टेड हो तो आपको ये चीज पहले ही पता चल चुकी होगी कि आज मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो मेरा वीडियो है क्रिस हेम्सवर्थ के ऊपर। आपको पता होगा कि टीन चॉइस अवार्ड 2018 हो चुके हैं, जिसमें कि बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर और बेस्ट एक्शन हीरो। तो बेस्ट एक्शन हीरो का अवार्ड मिला है क्रिस हेम्सवर्थ को, और क्रिस हेम्सवर्थ ने उसके लिए एक वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से और देन टीन चॉइस अवार्ड को सेंड करा। तो वो वीडियो था, और उसमें जो वीडियो में बोला गया, जो भी एक एक वर्ड बोला गया था, वो एक स्पॉइलर था एवेंजर 4 के लिए। तो उसमें 5 वर्ड का यूज करा गया। सबसे पहले एवेंजर 4, थॉर का न्यू वेपन के बारे में, और थैनोस के बारे में, और जितने एवेंजर्स मारे गए उसके बारे में बोला गया, और देन एक छोटा सा अपडेट। पर ये सारे पांचों वर्ड काट दिए गए, यानी कि एक टीवी देख रहे होते हम और देन अचानक से डिश चली जाती है। तो कुछ ऐसा टाइप का हमें उस वीडियो में देखने को मिला। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हो, वो मैंने अपलोड कर दिया है और उसे पिनअप भी कर दिया है। अब देन उसमें सबसे जो क्लियर वर्ड था वो था थॉर का न्यू वेपन एवेंजर 4 के लिए। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ऑलरेडी थॉर का न्यू वेपन आ चुका है, तो अब कौन सा न्यू वेपन आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर 4 में टाइम ट्रेवलिंग होगी, और नए टाइम ट्रेवलिंग के साथ साथ उसका जो पुराना वेपन है, यानी कि थॉर का पुराना वाला हथौड़ा, वो रिटर्न होगा, यानी कि वो न्यू वेपन। तो आपको क्या लगता है, उस वीडियो को देख के जरूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, और देन इस वीडियो पे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।